दोस्तों हाल ही में इंडिया के अंदर मीडियाटेक ने डायमेंसिटी 1000 प्लस का पावरफुल चिपसेट को इंडियन मार्केट में लॉन्च किया है और उसके बाद हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रियलमी की तरफ से हमें रियलमी X7 प्रो इंडिया के अंदर बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा। बट यहां पर कई सारी लीक्स ये भी निकल कर आ रही थी कि यहां पर आपको रियलमी की तरफ से रियलमी X7 ही देखने को मिलने वाला है, रियलमी X7 प्रो देखने को नहीं मिलेगा। बट फाइनली यहां पर रियलमी के सपोर्ट पेज के ऊपर रियलमी X7 प्रो को भी लिस्ट कर दिया गया है, जहां से यह कंफर्म होता है कि आपको बहुत ही जल्द इंडिया के अंदर रियलमी X7 प्रो भी देखने को मिलने वाला है, जो कि आपके लिए काफी अमेजिंग होगा। तो फाइनली आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसी डिवाइस के कंफर्म स्पेसिफिकेशन, प्राइसिंग और लॉन्च डेट के बारे में। तो उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, एज ऑलवेज प्लीज आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें ताकि हम आपके लिए फ्यूचर में अच्छे अच्छे कंटेंट बना सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं हम इस डिवाइस की परफॉर्मेंस को लेकर, क्योंकि इस डिवाइस का जो परफॉर्मेंस है वही मेन फैक्टर है इस डिवाइस के परचेस करने का और नहीं करने का। तो आपको इस डिवाइस के अंदर मीडियाटेक की तरफ से डायमेंसिटी 1000 प्लस का पावरफुल 5G चिपसेट देखने को मिलेगा, जो कि एक बहुत ही पावरफुल चिपसेट है और काफी हद तक कम्पीट करती है स्नैपड्रैगन 865 वाले चिपसेट को। तो परफॉर्मेंस के मामले में यहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। और उसके साथ ही अगर बात करें बैटरी की, तो परफॉर्मेंस के बाद बैटरी का बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है किसी भी स्मार्टफोन के लिए। तो यहाँ पर आपको बैटरी में 4500 mAh की एक पावरफुल बैटरी देखने को मिल जाएगी, जिसमें कि आपको फास्ट चार्जिंग के लिए 65W के फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलेगा। अब उसके साथ ही दोस्तों बात करते हैं इस डिवाइस के बैक साइड के कैमरा और डिजाइन के बारे में। तो डिजाइन यहाँ पर काफी डिफरेंट है रियलमी के प्रीवियस स्मार्टफोन के जैसे, यहाँ पर आपको डिजाइन देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर जो लोगो है वो काफी बड़ा दिया गया है और डिजाइन जो है वो काफी ग्लॉसी है, तो आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है जब आप इस स्मार्टफोन को यूज करेंगे। और अगर बात करें कैमरे की, तो यहाँ पर आपको बैक साइड के अंदर क्वाड रियर कैमरे का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जो कि प्राइमरी कैमरा 64 MP के साथ हमें देखने को मिलता है। साथ ही में आपको 8 MP का एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, 2 MP का एक मैक्रो लेंस और 2 MP का ही डेप्थ सेंसर का सपोर्ट देखने को मिलता है। तो 2 MP का जो फैक्टर है वो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है क्यों कंपनी ऐसा करती है। अब उसके साथ ही दोस्तों फाइनली बात करते हैं इस डिवाइस के फ्रंट साइड के बारे में। तो फ्रंट साइड के अंदर आपको 6.5 इंचेस का एक सुपर एमोलेड पैनल 120Hz के रिफ्रेश रेट के सपोर्ट के साथ देखने को मिल जाता है और जो स्क्रीन है वो सैमसंग का फ्लेक्सिबल स्क्रीन है। तो यहाँ पर आपको एमोलेड का जो एक्सपीरियंस होगा वो काफी अमेजिंग देखने को मिलेगा, साथ ही में आपको रिफ्रेश रेट भी हायर देखने को मिलता है, तो यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस भी काफी अमेजिंग देखने को मिलने वाला है। उसके साथ ही अगर बात करें सेल्फी कैमरे की, तो यहाँ पर आपको 32 MP का सेल्फी शूटर देखने को मिलेगा, जो कि एक पंचोल के साथ देखने को मिल जाएगा। एंड फाइनली बात करते हैं दोस्तों इस डिवाइस के प्राइसिंग के बारे में। तो दोस्तों इस डिवाइस का जो प्राइस है वो अप्रोक्सीमेटली 24,999 रुपीस के अप्रोक्स देखने को मिल सकता है। और अगर बात करें दोस्तों इस डिवाइस की लॉन्च डेट के बारे में, तो जनवरी के महीने में इस डिवाइस को इंडिया के अंदर लॉन्च किया जा सकता है। अगर आप ये वीडियो बाद में देख रहे होंगे तो, और अगर आपको लॉन्च डेट एग्जैक्ट पता चल गया होगा, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर दें ताकि मैं आपके कमेंट को पिन कर दूं कि और भी लोगों को पता चल सके। सो फाइनली क्या आप इस डिवाइस को लेना पसंद करेंगे, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। एंड फाइनली आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो काफी अमेजिंग लगी होगी, तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप अपने छोटे भाई को सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो हम मिलेंगे आपसे एक और नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइल एंड हैव अ लवली डे।